हैप्पी दिवाली सभी को। और दीपावली स्पेशल में आज हम बनाने जा रहे हैं कुलचे और मटर के छोले, जो बहुत टेस्टी लगते हैं, सभी को बहुत पसंद आते हैं ये। और ये बहुत आसान है, बहुत ईजिली आप इसे घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसा। ये सॉफ्ट है, ये फूले फूले हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आने वाला है। तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत पसंद आने वाला है। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जो भी वीडियो लाएँ सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 कप के लगभग मैंने मटर लिए थे, इन्हें रात भर के लिए अच्छे से भिगो दिया था। ये काफ़ी अच्छे से देखिए फूल चुके हैं ये। अब इन्हें हम बॉईल करेंगे। तो अब कुकर ले लेते हैं, प्रेशर कुकर, उसमें हम डाल देते हैं इन्हें। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं, आधा छोटा चम्मच, और हम नमक डाल देंगे, 1 से 1.5 चम्मच हम डाल दे रहे हैं, छोटा चम्मच है ये। और 2 से 3 कप हम पानी डालेंगे। मैंने 3 कप हमने पानी डाल दिया है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें हम ढक देते हैं, 7 से 8 सीटी इन्हें अच्छे से लग जाए। फिर ये इन्हें बिल्कुल गला लेना है और अच्छे से देख पक जा रहे हैं। तो देखिए इन्हें खोल कर देख लेते हैं, देखिए काफ़ी अच्छे से देखिए गल चुके हैं ये, पानी भी सोख लिया है बिल्कुल। और ये देखिए इस तरह से हो गए हैं ये। तो इस तरह से आप बनाए छोले, काफ़ी टेस्टी और चटपटा बनेगा आपका। तो अब हम कुलचे के लिए हम 3 कप हम मैदा ले लेते हैं। देखिए मैंने 3 कप हमने मैदा ले लिया है, आधा छोटा चम्मच हम डाल दे रहे हैं नमक, 1 चम्मच हम चीनी डाल देते हैं और 1 चम्मच हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे। और आधा कप मैंने अब इसमें दही ले लिया है और 3 से 4 चम्मच हम इसमें घी डाल देते हैं, पिघला हुआ घी है ये। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। पहले पानी से बिल्कुल नहीं गूंथना है, पहले ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिस सभी जो सामान हमने डाला है, सामग्रियाँ डाला है, सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ये। देखिए काफ़ी अच्छे से देखिए मिक्स हो चुके हैं ये। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इन्हें मुलायम डो की तरह रेडी करेंगे इनका। हम काफ़ी अच्छे से इन्हें गूंथ लेते हैं। इनका आटा सॉफ्ट होना चाहिए, ये काफ़ी देखिए अच्छे से मुलायम हो चुके हैं ये। थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं, ये काफ़ी अच्छे देखिए गूंथ लिया हमने इन्हें। इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, रेस्ट के लिए इन्हें ढक देते हैं अब। और तब तक हम छोले की तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने 2 चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल दिया है, तेल अच्छे से गर्म हो जाए। फिर 2 मिर्ची कटा हुआ हम इसमें डालेंगे। देखिए तेल अच्छे से गर्म थे तो मिर्ची काफ़ी तड़क रहे हैं। अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं, मैंने 1 प्याज मैंने काटा हुआ था, छोटे छोटे पीसों हमने काटा हुआ है इन्हें। नहीं थोड़ा सा ये हमें रोस्ट करना है, ज़्यादा हमें नहीं ब्राउन करना है हमें। तो अब देखिए थोड़ा सा हो चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर डाल देते हैं, 1 टमाटर हमने काटा हुआ है वो भी हम डाल देंगे। इन्हें थोड़ा सा पका लेते हैं, थोड़ा सा मुलायम हो जाए, फिर सभी मसाले हम डालेंगे इसमें। अब इसमें यहाँ 1 छोटा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा 1 छोटा चम्मच हम जीरा पाउडर, आधा 1 छोटा चम्मच हम मिर्च पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक पहले से मैंने छोले में डाला था इसलिए कम डालिएगा। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। हमें लो फ्लेम में ही में मिक्स करना है, जिससे मसाले जल जाएंगे। और इसमें 1 से 2 चम्मच हम पानी डाल देंगे, जिससे अच्छे से ये मसाले आपके पक जाएंगे। ये देखिए पानी हमने डाल दिया था, जिससे काफ़ी अच्छे से देखिए मसाले रेडी हो चुके हैं आपके। अब इसमें हम छोले डाल देते हैं, बहुत चटपटे बन जाते हैं। इसमें मसाले मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, और इसमें 1 सीक्रेट चीज़ डालेंगे, जिससे काफ़ी चटपटा और टेस्टी बन जाते हैं ये छोले। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पहले हम 2 से 3 मिनट इन्हें अच्छे से भून लेंगे।
तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आने वाला है। और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। तो ये काफ़ी देखिए अच्छे से भुन चुके हैं ये मेरे छोले। और कुलचे के साथ ये छोले बहुत ही टेस्टी लगे थे, और इसमें जरूर ट्राई करिएगा। अब हम थोड़ा सा इसमें 2 से 3 चम्मच हमने इसमें इमली का पानी डाल दिया है। अब ये हरी चटनी है, इसमें मैंने इमली के पानी से ही मैंने बनाया हुआ चटनी ये, इसमें भी थोड़ा सा हम डाल देंगे हरी चटनी, जिससे बहुत ही चटपटा। ये 2 से 3 चम्मच हमने डाला है। तो इसमें मैंने लहसुन, मिर्ची और इमली के पानी, धनिया, ये सब हमने डाल के पीसा हुआ है। तो बहुत ही चटपटा ये चटनी बनी थी। तो इस तरह से इन्हें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और आपके ये देखिए छोले रेडी हो चुके हैं, देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं और खाने में भी काफ़ी टेस्टी है, बहुत चटपटे थे ये। अब ये देखिए ये रेडी हो चुके छोले। अब इसमें देखिए ये काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं ये, जो आटा मैंने गूंथा था। इन्हें थोड़ा सा फिर से मसल लेंगे हम। ये कुलचे भी काफ़ी सॉफ्ट बने थे, तो इस तरह से बनाएंगे आपके कुलचे भी काफ़ी सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनेंगे। इन्हें इस तरह से हाथ से पहले अच्छे से मसल लेंगे। अब इसके हम लोइया बना लेते हैं। इतने बड़े बड़े हमने लोइया बनाया है, इसी तरह सभी को हम बना के रख लेंगे साथ में। देखिए मैं साथ में सभी को बना लिया है इस तरह से। और थोड़ा सा सूखा मैदा ले लेंगे, उसमें इस तरह से लेके हम इन्हें बेलेंगे। हम थोड़ा सा लंबे में हम बेलते हैं, क्योंकि कुलचा लंबे में थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैंने इस तरह से इन्हें बेल लिया है, देखिए काफ़ी लंबे में अच्छे से ओवल में शेप में है ये। तो इस तरह से हम बेल लेंगे। ये काफ़ी अच्छे से देखिए बेल चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम कलौजी डाल देंगे, मंगरेल, और थोड़ा सा हम धनिया डाल देते हैं इसमें। इसे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इस तरह से दबा देते हैं इन्हें, इन्हें प्लेट में निकाल देते हैं। इसी तरह एक और दिखा देते हैं आपको। सूखा थोड़ा सा आटा लगा देंगे, फिर इस तरह से इन्हें बेलेंगे हम। काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं। इसमें भी कलौजी थोड़ा सा हम डाल देते हैं, थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं इसमें। इसे इस तरह से दबा देंगे तो काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं ये। अब नॉनस्टिक तवा ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा ये, तो इस पर हम डाल देते हैं इन्हें। आधा मिनट के लिए इन्हें ढक देंगे इस तरह से इन्हें हम, उसके बाद खोलेंगे। ये देखिए कितने फूले फूले दिख रहे हैं। तो इस तरह से इन्हें हम फिर से हम पलट देंगे। दूसरे साइड हमें ज़्यादा नहीं पलट सेकना है, इस तरह हल्का से ही में इन्हें सेक लेंगे। ये काफ़ी अच्छे से देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो इस तरह से हम बना लेंगे। इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में। इसे दोबारा फिर हम करने के लिए फिर से हम पानी डाल देंगे इसमें। फिर से डाल देते हैं इस तरह से। धनिया वाला जो रहता है वो ऊपर रहना चाहिए आपका। फिर से हम ढक देते हैं इन्हें, फिर से इन्हें पलट लेते हैं। देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो इस तरह से सेकिए इन्हें, बहुत आराम से ये बन जाते हैं कुलचे आपके। काफ़ी सॉफ्ट है ये, एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आने वाला है आपको।
इसी तरह मैंने सभी को इस तरह से हम बना लेते हैं। ये देखिए इन्हें भी बना लेते हैं, ये खूब फूले फूले हैं ये। देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे, हरी धनिया की वजह से वैसे भी कितने अच्छे लग रहे, सुंदर लग रहे हैं ये। इसी तरह मैंने सभी को बना लिया है। मैंने इसी तरह मैं सभी को बना के एक प्लेट में हमने रख लिया है। अब इसमें तावे पे ही थोड़ा सा हम बटर डाल देंगे, थोड़ा सा बटर डाल के इस तरह से इन्हें फिर कुलचे को इस तरह हम लगा देंगे। दो से तीन कुलचे आराम से आ जा रहे हैं इसमें। इस तरह से हम सेक लेंगे दोनों साइड से। देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, वैसे खाने में काफ़ी टेस्टी थे। और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और ट्राई तो जरूर करिएगा क्योंकि बहुत पसंद आने वाला है आपको ये। अब इन्हें मैंने सेक लिया है, अब इन्हें हम प्लेट में निकाल देते हैं। ये देखिए अच्छे लग रहे हैं ना, तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। अब मैंने छोला एक प्लेट में निकाल दिया है, और इस तरह धनिया से ने सजा दिया, प्याज भी लगा दिया इन्हें, और मैंने हरी चटनी मिर्ची को मैंने तल लिया था, तो इसके साथ हरी मिर्ची भी बहुत अच्छी लगती है। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जो भी वीडियो लाएँ सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।